गणितीय आगमन का सिद्धांत जो चल रहा था, ठीक है, कौन सी प्रश्नावली है, छः है ना कि पाँच है, 6.1 चल रही थी और कुछ क्वेश्चन हो गए थे इसके, तो उन्हें क्वेश्चनों के आगे से देखेंगे हम लोग। हाँ बोलो बच्चों क्वेश्चन। 10 की पावर ये 10 ना, टी एन वाला ना, नहीं नहीं 10 वाला, 10 की पावर एन प्लस 3 प्लस 4 की पावर एन प्लस 2 की पावर एन प्लस 2 पावर एन प्लस 2 बंद ब्रैकेट प्लस 5 नौ से विभाज से। ध्यान देना क्वेश्चन पे, ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है, तो कैसे करेंगे n बराबर किसके लिए बच्चों बोलो, रखो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 1, 2 प्लस 4 की पावर 3 64 होता है, और 3 चौको 12, 3 18 19, 194 ना 192 सॉरी जोड़ दो 192 10 कितना होता है 202 और 200 जो कि 9 से विभाज्य है, क्योंकि अंकों को जोड़ो बच्चों। हाँ जो संख्या अंक हाँ तो 9 से विभाज्य है, जो कि 9 हाँ हाँ 3 और 9 से नियम होता है बच्चों, 3 से होता है और 9 से होता है, कि 3 और 9 से रूल होता है कि अगर तुम्हें कोई संख्या चेक करनी है कि 3 से विभाज्य है कि 9 से विभाज्य है, तो उन अंकों को जोड़ लो, और जोड़ने पर जो भी आएगा, अगर 3 से कट रहा है तो 3 से विभाज्य है, अगर 9 से कट रहा है तो 9 से विभाज्य है, ठीक है, कोई भी संख्या हो कितनी बड़ी संख्या रूल। हाँ एक से कटता है, इसलिए n बराबर 1 के लिए क्या है बच्चों, इसलिए n बराबर 1 के लिए बोलो बच्चों, 10 की पावर k प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर 4 की पावर प्लस 5 क्या 9 से, ये सत्य है ना बच्चों। हाँ एन बराबर बोलो जो के प्लस 1 बोलो जो 10 की पावर ध्यान देना सब बच्चे 3×4 की पावर के प्लस 3 प्लस ठीक है 5 रहेगा बच्चों, ठीक है। आप देखो ध्यान से सिंपल स्टेप बच्चों, पहले यहाँ पे हम लोग अलग करेंगे ना इसको, 10 की पावर के प्लस यहाँ पे ध्यान देना 4 की पावर के 10 की पावर के इंटू 10 की पावर 1 लिखो जाएगा, यहाँ पे के प्लस 2 अलग करो और क्या बचेगा बच्चों 4 बचेगा, क्योंकि 3 लिखा था 2 अलग किया 1 यहाँ लिख दिया प्लस 5 ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत सिर्फ दे के करना है बच्चों, क्या लाना है हम लोग को प्लस प्लस, क्या लाना है 3, क्या लाना है 4 की पावर के प्लस 2, हटाना किसको है बच्चों 10, तो इंटू 10 ठीक है। ये 4 ये हमने लिखा ही नहीं बच्चों, पिछला ये हमने लिखा ही नहीं बच्चों, यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखी, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये हमने अपने मन से लिखा है, ओके ये तुम सोच रहे हो कि भैया ये लिखा है ना, ये नहीं लिखा है मैंने, ये मैंने अपने मन से लिखा है, अभी इसको आगे लिखेंगे ध्यान देना। तो ये प्लस के अब क्या बच्चों बोलो 5, हटाना क्या बच्चों बोलो 10 सही है। अब इसको प्लस के तो यहाँ माइनस करो, क्या माइनस करेंगे 3×4 की पावर के प्लस 2×10 फिर माइनस करेंगे 5×10 अब लिखेंगे इसको बच्चों क्या लिखेंगे प्लस 3×4 की पावर के प्लस 2×4 और प्लस 5 हमने इसको ये लिखा है नहीं, इसको मैंने ये लिखा है देखो बच्चों, हमने कहा था ना एक्स्ट्रा अपने पास से कर दो, इसमें कॉमन क्या मिलेगा बच्चों बोलो 10 मिलेगा, वो मिलेगा मिलेगा बच्चों 10, और यहाँ बोलो वही बचेगा 3×4 की पावर और प्लस यहाँ क्या बचेगा जो कि 9 से विभाज्य है बच्चों, ठीक है। इसमें बच्चों मेरे और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है बच्चों
फोर की पावर के प्लस टू लो कॉमन, तो लो सिंपल फोर की पावर के प्लस, और ध्यान देना प्लस कॉमन ले रहा है, ये लिखा गया यहाँ पर माइनस, तो यहाँ से कॉमन ले रहे हैं यहाँ, तो प्लस लिया कॉमन तो तीन चको यहाँ पे क्या बचेगा, और यहाँ बोलो माइनस क्या बचेगा, तीन धाम, ठीक है बच्चों बोलो, हाँ पाँच धाम ही कितना हो जाएगा, और प्लस इसमें तो कुछ करना नहीं बच्चों लोग को, कितना सिंपल बता रहे बच्चों, अब कितना सिंपल कर दे इसको, अब थोड़ा हल करना तुम लोग को आना चाहिए बच्चों, चार की पावर के प्लस दो, बारह में तीस गया माइनस का, माइनस का माइनस प्लस माइनस कर दो, माइनस अट्ठारह आगे लिखा, चार की पावर के प्लस दो माइनस का, ये नौ से विभाज्य है बताओ बच्चों, ये नौ से विभाज्य है, क्यों विभाज्य है नौ से, ये भी नौ से विभाज्य है, तो इसलिए तीनों संख्याएं भी क्या होंगी नौ से, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है उसमें नौ कॉमन ले सकते हैं हम, अगर ये मान लो नौ से विभाज्य तो कुछ नाइन टाइप में आएगा, नाइन के या कुछ भी होगा, यहाँ पे भी नौ है यहाँ पर भी नौ है, तो पूरे में से क्या कर सकते हैं नौ कॉमन कर सकते हैं, मतलब पूरी संख्या जो है नौ से पक्का विभाज्य होगी, जैसे एग्जांपल समझो, जैसे ये लिखा है ए बी, ये प्लस ए सी और ये प्लस ए डी, तो इसमें से ए कौन मिल रहा है बच्चों, तो ये जो संख्या है वो ए से पक्का विभाज्य होगी बच्चों, है कि नहीं विभाज्य बच्चों, तो उसी प्रकार से जो कॉमन मिल रहा है तो उससे विभाज्य होगी, देखो ये जो संख्या है ये पक्का नौ से विभाज्य है, तो कुछ नौ के गुणे में आएगा, नौ के नौ कुछ भी होगा, ठीक है ये तो पहले से विभाज्य है, तो हम सब में से कॉमन नौ ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो ये नौ कॉमन ले लेंगे तो नौ से ये क्या संख्या पूरी पूरी विभाज्य हो गई, और बता भी चुके हैं पहले भी कि कोई संख्या प्लस में लिखी हुई या माइनस में लिखी है तो अगर किसी से विभाज्य है अलग अलग बच्चों, तो वो संख्या पूरी से क्या होगी बच्चों, विभाज्य होगी बच्चों, ठीक है नहीं आया क्या कॉमन लेके, उसमें आया नहीं आया कॉमन लेके, हाँ मतलब इसको तुम्हें लिखना पड़ेगा नौ के या कुछ भी लिख सकते हो, नौ पी या कुछ भी मान सकते हो बच्चों, क्योंकि नौ से विभाज्य तो पक्का नौ के गुणन में होगा बच्चों, कोई भी संख्या जो नौ से कट रही है चाहे कोई भी संख्या जिंदगी में उसे नौ गुणे ले सकते हैं बच्चों, पी की पावर विभाज्य है ना, ठीक एंड बराबर एक के लिए पी की पावर यहाँ कितना जाएगा, तो बोलो दो हो जाएगा, अब यहाँ बोलो पी प्लस वन की पावर दो एक कम दो, दो में से क्या एक, तो पी स्क्वायर एक मतलब कोई फिट पड़ेगा नहीं, पी प्लस वन इसलिए वही आगे सेम टू सेम, इसलिए एन बराबर एक के लिए सत्तर, इसलिए एन बराबर के लिए भी क्या होगा एन बराबर के प्लस, पहले लिखो तो पहले पी की पावर प्लस पी प्लस वन की पावर टू के माइनस वन, पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन से क्या है बच्चों, हाँ एन बराबर किसी बच्चों बोलो के प्लस, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा पी की पावर, यहाँ ध्यान देने बच्चों टू के प्लस वन, टू के प्लस टू होगा बता रहे शुरुआत में, टू के प्लस टू तो टू क्या बचेगा टू के प्लस, ठीक है बच्चों चलो जो लाना है उसी को बनाओ बच्चों, पी की पावर के हमें वन लाना, तो के प्लस टू को मैंने के प्लस वन लिखा और इंटू पी की पावर वन अलग कर दिया, हाँ पी प्लस वन की पावर क्या लाना है बच्चों, माइनस वन लाना है,
तो 2k, अब माइनस वन लाना यहाँ पे बच्चों, तो माइनस वन करने के लिए माइनस वन लिखा और कितना लिखा प्लस का 2, क्योंकि यहाँ प्लस का 1 लिखा है तो प्लस 1 तभी आएगा जब 2 में से 1 घटेगा, तभी तो बचेगा माइनस प्लस 1 बच्चों यहाँ पे। तो क्या लिखा, माइनस 1 और प्लस का 2, नहीं इसमें आया बोलो जो क्या गया जी? जब हाँ प्लस 1 बचेगा बच्चों, तो हमने लिखा क्योंकि यहाँ पे देखो 2k माइनस 1 लिखा है, अब माइनस वन लिख दिया तो क्या करें ऐसा कि प्लस वन आ जाए, तो प्लस टू कर दो तो बना जाएगा बच्चों। चलो p की पावर k प्लस वन, ध्यान देना बच्चों, p लाना हम लोग को लाना क्या है बच्चों, ये लाना है p प्लस वन की पावर क्या लाना है बच्चों बोलो, माइनस वन, हटाना क्या है बच्चों बोलो p, ठीक है ये प्लस किया है तो इसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कहा बच्चों कहाँ बच्चों, ये माइनस किया और उसको लिखो फिर बच्चों, ये हमने फिर से दादा बच्चों ये अलग से लिखा है, ये पी की पावर टू अलग कर लिया बच्चों, ठीक है टू अलग कर लिया, ये मैंने ना अपने पास से लिखा, ये चीज़ें जो लिखते हैं आगे लिए अपने पास से लिखते हैं जिससे कि हम लोगों को ये चीज़ बन जाए बच्चों। हाँ यहाँ पे नहीं हो पाता बच्चों, ये पी नहीं हटता ना, ये पी नहीं हट पाता बच्चों आपको, तो P कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सिंपल लगेगा तुम लोग के लिए बच्चों, 2K है क्या, 2K P प्लस वन की पावर, ठीक है ये बन गया बच्चों। अब देखो इसमें से और इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, देखो ध्यान से, P प्लस वन की पावर 2K माइनस और प्लस कॉमन लो बच्चों प्लस का, तो प्लस वाला पहले इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पी की पावर 2k माइनस 1 चला गया तो क्या बचा बच्चों यहाँ पे बोलो, पी स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या बचा माइनस पी, ये गलत लिखा है बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों पी प्लस 1 की पावर 2 बचेगा, ये पी प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 लिखा था तो 2k माइनस 1 अलग किया है तो पी प्लस 1 की पावर क्या बचेगा यहाँ पे 2, सही है ना बच्चों, बच्चो p प्लस 1 की पावर 2 और माइनस क्या बचेगा यहाँ पे p, देखो समझो यार यहाँ पे जैसे उन्होंने p प्लस 1 की पावर 2k माइनस 1 लिखा तो 2k माइनस 1 लिखा है तो अलग क्या होगा p प्लस 1 की पावर 2 अलग हो जाएगा, ठीक है चलो। हाँ अब इसको कुछ नहीं ऐसे लिखना सेम टू सेम है ना, और इसको थोड़ा सा हल कर लो जल्दी से, क्या लगेगा यहाँ बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का माइनस का, इसको सेम लिखो ऐसे बच्चों, पी स्क्वायर टू बी में पी जाए कितना बचेगा पी प्लस ये संख्या इससे विभाज्य है देखो बच्चों, और ये भी संख्या इससे क्या है पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन से विभाज्य है, अतः ये पूरी क्या होगी पी स्क्वायर प्लस पी प्लस वन से क्या होगी विभाज्य होगी, अतः एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। देखो बच्चों यहाँ से हम करने की कोशिश करेंगे तो पक्का गलती कर देंगे बच्चों, पूछो क्यों, अभी यहाँ पे p कॉमन, अभी मैंने ये जो लिखा है देखो यहाँ पे क्या लिखा p प्लस वन की पावर 2 लिखा है, कॉमन क्या मिलेगा बताओ यहाँ पे, कुछ मिलेगा बताओ उसमें, अगर देखो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा तो मिलते ना, तो इन दोनों भैया कर लो है ना, तो इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा तो बताओ, देखो यहाँ से मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, जब कॉमन नहीं मिलेगा तो क्वेश्चन बढ़े कहाँ से, तो इसीलिए हम लोग को कुछ करना नहीं है, देखना है यहाँ पे क्या लाना है, ये चीज़ लिख दी, हटाना क्या है पी लिख दी, हो गया, ये तुमने प्लस किया है यहाँ पे माइनस करो, क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस करते, फिर यहाँ पे क्या करते प्लस होते, बैलेंस तो बना हुआ ना, इससे मेरा फायदा ही मिल रहा है कि तो कौन मिल रहा है ये बन रहा है और बाकी चीज़ें जो सॉल्व हो जा रही है बच्चे यहाँ पे, तो ये हर एक क्वेश्चन हमने किया है बच्चों, जितने भी कौन से विभाज्य वाले क्वेश्चन थे, तो ये बनाना पड़ रहा है पहले, सिंपल सा देखना है ऊपर क्या लिखा है, ये लिखा है लाना तो ये हटाना क्या है पी, तो जो भी चीज़ लिखी हो बच्चों वही चीज़ करो बच्चों, अब फिर इसमें कुछ करना नहीं है, जो चीज़ बची हुई है उसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों, एन एन स्क्वायर माइनस वन एन क्या है विषम, मतलब कि एक से स्टार्ट होगा एन बराबर 1 3 5 विषम, हाँ और कौन सा
एक से एक विषम बच्चों, एक विषम है, एक सम विषम दोनों नहीं, एक सम विषम का तुम भाज्य अभाज्य में जा रहे हो, एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है, एक ऑड में आता है, क्या होता है ऑड की ओर बसा, वो संख्याएं जो दो से विभाज्य नहीं होती उन्हें कहते हैं बच्चों क्या, अब विषम संख्या है, तो एन बराबर एक क्या है, एक तीन पाँच सात ये सब क्या है विषम है, दो चार छः आठ जैसे क्या है बच्चों सम, जो कन्फ्यूज मत हो, एक रखो एक का स्क्वायर माइनस एक कितना आएगा बच्चों बोलो जीरो, एन बराबर वन के लिए क्या है बच्चों क्योंकि चौबीस से भाग करो जीरो में बच्चो हाँ आ जाएगा बच्चों जीरो, तो वही तो मतलब वो विभाज्य है, जब तुम किसी भी से 24 है 24 भाग 24 में करो सिक्सफोर कितना आता है बच्चों, वो तो कट के तो एक आता है, तो क्या आया बच्चों हम लोग का भागफल आया ना, 24 से भाग 24 में करो 24 से कम ये कितना आया सिक्सफल, यहाँ पे वही सिक्सफल यहाँ बचेगा बच्चों, जब तुम हाँ सिक्सफल देखते हैं बच्चों, अरे भैया जब कोई संख्या से मान लो 24 है, अब यहाँ पर मैंने लिखा है 37 अभी भाग जाएगा, अब यहाँ पे कुछ बचेगा, यहाँ पे कुछ मान लो यहाँ पे सात चार तीन तीन है, तो ये विभाज्य संख्या नहीं विभाज्य है क्या, इससे बच चल रहा है क्या, इससे नहीं इससे बच चल रहा है क्या कि यहाँ पे 13 बच रहा है, बचना क्या चाहिए था यहाँ पे जीरो बचना चाहिए था, तभी तो संख्या विभाज्य होगी बच्चों, ठीक है, इसलिए एन बराबर के लिए भी के लिए नहीं सॉरी 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 क्योंकि ये क्या है बच्चों विषम धन पूर्णांक है, तो विषम के लिए बच्चों हम लोग को ऐसा करना पड़े जो विषम टाइप में मान लो 2k + 2k - 1 मान लो k + 1 ना मान लो क्योंकि k + 1 कुछ भी होता है ना, अब मान लो k अगर 5 है और प्लस 1 के तो 6 नहीं बन जाएगा बच्चे यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पर 2k - 1 मानो या 2k + 1 मानो, ठीक है, के लिए भी सत्य होगा, तो बोलो जो 2k - 1 24 से विभाज्य है कि नहीं है जो हाँ एन बराबर जो बोलो किसके लिए 2k + 1 के लिए, किसके आएंगे क्या 2k + 2 आएगा और +2 - 1 करो तो 2k + 2 बन जाएगा, 2k + 2 बनेगा और 2 में से एक जाएगा कितना बचेगा एक बचेगा बच्चों, तो यहाँ रखो 2k + 1 यही रहना यहाँ 2k + 1 और यहाँ बोलो 2k + 1 का होल स्क्वायर माइनस का, अब इसको भी बनाना है बच्चों पहले कैसे ऐसा बनाना पड़ेगा, अब कैसे बनाएंगे वो चीज़ यहाँ पे तुम लोग को देखनी पड़ेगी बच्चों, यहाँ पे लाना क्या है बच्चों 2k लिखा तो यहाँ पे +2 करना पड़ेगा बच्चों बोलो, तभी तो +1 बनेगा बच्चों बोलो, यहाँ पे यहाँ पर भी वैसे करो 2k - 1 लिखो और प्लस अभी कॉमन नहीं कहाँ पे ये चीज ये तो हमने 2k + 1 लिया ना उसको कर हाँ अभी हमने कुछ किया ना यहाँ पे बस ब्रेक किया -1 + 2 इसको हमने मान लिया a इसको मान लिया b लगाओ हमला a² + -2ab और माइनस का सही है ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा 2k - 1 का एक को आगे लिखा एक ही क्योंकि पास में लिखा था एक तो लिखा आगे में दो दुनी और ये दो दुनी चार ब्रैकेट के अंदर 2k - सही है बोलो चो ये हमने ये लिखा बच्चों इसको हमने ये लिखा और ये चार लिखा और ये हमने इसको ये लिखा बच्चों ठीक है अब गुणा करेंगे इसका गुणा पहले करेंगे इतने में बच्चो 2k - 1 गुणा करेंगे इतने में करो बच्चो 2k - 1 पता क्यों कर रहे हैं ये लाना है बच्चों लोग को ब्रैकेट के अंदर 2k - 1 का होल स्क्वायर माइनस का सही है इतने गुणा किया बच्चों इतने में बच्चों ठीक है ये फिर इसका गुणा करेंगे चार से अभी कर रहे हो अभी कर रहे चार ब्रैकेट के अंदर बच्चों बोलो 2k - 1
फिर इसका गुणा करेंगे इसमें, तो क्या आएगा बच्चों बोलो जल्दी से, चार होल स्क्वायर। अब दो का गुणा करेंगे पहले इसमें, तो बोलो करो चलो इसमें दो ब्रैकेट के अंदर टोटल बाहर लिखते हैं। नहीं नहीं गुणा करो उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसे ओपन करना पड़ेगा। दो का गुणा एक में करो, दो एक कम दो, फिर दो का गुणा चार में करो। अरे समझा फिर बता दे क्या है, दो चौको ये लाइन थोड़ी कठिन हो गई तुम लोग के लिए है ना। चलो कोई बात नहीं, हम चाहते हैं बच्चों कुछ ऐसा ये बन जाए। तो हमने पहले दिमाग लगाया माइनस वन प्लस टू किया, यहाँ माइनस वन प्लस टू किया, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस वन ऐसे लिखा बच्चों। अभी जोड़ना कटाना नहीं, ये चार में से एक जगह तीन बचेगा ना, ये नहीं करना, ये लिखो फिर माइनस एक लिखो क्योंकि पास में लिखा था माइनस एक, फिर चार और फिर दो दूनी चार। फिर हमने क्या किया, इसका गुणा हमें इसमें करना पड़ेगा, इसका गुणा वन में करना पड़ेगा। तो हमने क्या क्या किया, इसका गुणा इस पूरे में किया है, तो 2k माइनस वन बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर हमने पूरा ये लगाया। अभी गुणा करना पड़ेगा आगे, इसका गुणा फिर मैंने किस में किया, चार में किया, फिर इसका गुणा मैंने इसमें किया, तो देखो 2k माइनस वन सेम था, तो क्या हो गया यहाँ पर चार 2k माइनस वन का क्या हो गया होल स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया। अब बारी थी 2 का गुणा, अब 2 का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, सब में करेंगे। तो 2 का गुणा इसमें किया तो कितना आ गया, माइनस का नहीं प्लस का 2 ब्रैकेट के अंदर 2 के माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर 2 का 4 एक में किया माइनस का 2, फिर 2 का 4 में किया 8 और फिर 2 का 4 में किया मतलब पूरे में। तो नहीं आया बच्चों बोलो, नहीं आया हाँ बच्चों, थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चों ये चीज़ कैसे बने यहाँ पर, क्योंकि वो अलग करनी पड़ेगी यहाँ पे, तभी तो गुणा कर पाओगे, तभी तो ये बना पाओगे बच्चों। और जब तक ये बनेगा नहीं क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा। अब तुमको इसको कुछ नहीं करना है, इतने वर्क हो चुके यहाँ पे, ये सॉल्व करना है बच्चों। तो देखोगे सॉल्व होगा, चार दुनी आठ के माइनस का यहाँ बोलो। अच्छा बच्चों ये चार है ये दो है, दोनों सेम है, तो कितना कर दे, छः कर ले, छः 2k माइनस वन का ये आठ और ये प्लस यहाँ बोलो आठ नहीं 16 माइनस आठ दूनी 16 आठ का आठ ठीक है। अच्छा बच्चों माइनस आठ और माइनस चार कितना हो जाएगा, और 12 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब ऊपर देखो थोड़ा सा, ये जो शुरुआत की लाइन लिखी उसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि वो पहले से 24 से विभाज्य है बच्चों। एक आगे बच्चों विषम संख्या आगे ना, अगर विषम ना हो सम होता ना, ए मतलब पूर्णांक होता तो सिंपल हो जाता बच्चों, इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा ये तो 8 के और 16 के कितना हो गया, माइनस चार माइनस आठ और 12 में 6 गया। अब इसको बच्चों ओपन कर लो जल्दी से, प्लस 6 ए स्क्वायर मतलब बच्चों बोलो 4k क्योंकि 2k का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab मतलब कि इसको ऐसे लिखो, ये 24 किए था ना बच्चों, सॉरी 24 किए था बच्चों ने। बच्चों ये माइनस 6 प्लस 6 काट मत देना बच्चों, क्योंकि ये 6 अलग है, ये 6 गुणे में लिखा है इसमें, तो ये माइनस 6 अलग है। अब गुणा करो 6 चौको 24 किया प्लस माइनस का आप कटेगा, इन तीनों में कुछ कॉमन मिल रहा क्या। अच्छा ये भी गया, क्या बचा बच्चों बोलो, ये जो संख्या लिखी है तो 24 से विभाज्य थी, ये भी देखो ध्यान से 24 से विभाज्य है, तो इसका ये पूरा जो होगा 24 से क्या होगा विभाज्य होगा बच्चों। थोड़ा सा लंबा हो गया ना, लंबा पता क्यों होगा, सिर्फ इस विषम के मारे बच्चों, सम होता भी लंबा हो जाता बच्चों, सिंपल पूर्णांक होता, जैसे यहाँ पे क्या लेते के लेते, अब के प्लस वन लेते, बहुत सिंपल होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता बच्चों। अभी 2k बना दिया ना इसने विषम में, इसलिए दिक्कत हो गई बच्चों। अभाज्य का मतलब जो किसी से कटे ना, जो फिर अपने आप से कटे, दो एंड बराबर क्या ना आएगा बच्चों, ठीक है एंड बराबर k के लिए भी क्या होगा सत्तर होगा, k स्क्वायर माइनस k प्लस 41 क्या है बच्चों 41
ठीक है, देखो ध्यान समझो, एन बराबर के प्लस सत्य नहीं है, करना पड़ेगा सत्य, के प्लस वन का माइनस के नहीं, के प्लस प्लस देखो ओपन करो उसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के के स्क्वायर, ठीक है बच्चों ध्यान देना, के स्क्वायर प्लस के यहाँ पे क्या लगा हुआ बच्चों, सॉरी यहाँ पे क्या लगा है माइनस के, तो के स्क्वायर अगर हम माइनस के कर देंगे तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, प्लस टू के करना पड़ेगा, तभी तो बचेगा बच्चों बोलो यहाँ पे। लेकिन क्या ये सही है कि ये अगर अभाज्य है और ये कुछ भी हो तो जोड़ेंगे, अगर दो अभाज्य को जोड़ने पे क्या अभाज्य मिलता है, जरा देखो बच्चों, जैसे तीन है और प्लस पाँच है तो क्या ये अभाज्य मिला हम लोग को, नहीं मिला, ऐसा रूल इसमें नहीं है, किसमें है सिर्फ किसी संख्या से भाज्य के लिए रूल होता है। अब देखो ये क्या है, एक अभाज्य है और ये टू के पक्का क्या है, दो से कट ही जाएगा क्योंकि दो लिखा है, मतलब ये सम संख्या है, तो ऐसा भी क्या कोई अगर हम सम संख्या जोड़ दें इसमें तीन प्लस दो जैसे जोड़े तो पाँच आएगा, ठीक है, लेकिन तीन प्लस चार जोड़े तो कितना आएगा सात, तीन प्लस छः जोड़े तो कितना आएगा बच्चों नौ, अब कितना आ गया देखो, नौ क्या अभाज्य है बच्चों, अभाज्य नौ कहाँ अभाज्य है बच्चों, नौ भाज्य है बच्चों। तो अब इसमें करें तो करें, इसमें क्या हम लोग को मालूम है कि ये अभाज्य संख्या है, ये क्या बच्चों ये बात, लेकिन माइनस के और ये प्लस टू के लिखा है, तो बच्चों इसको यहाँ पे ब्रेक मत करो, इसको ऐसा ही लिखा है जैसे ये लिखा है बच्चों यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस के प्लस क्या लिखा है बच्चों 41। अब देखो यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ा क्या कि के स्क्वायर लिखा है 41 लिखा है 41, यहाँ क्या था बच्चों माइनस, यहाँ क्या था बच्चों प्लस, ये नहीं नहीं कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या लिखा है माइनस के, यहाँ क्या लिखा है प्लस के, तो इससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे इसे हम लोग मान लो प्लस एक कर दे भाई चांस, देखो देखो ऊपर कर दे प्लस एक, तब भी कितना आएगा बच्चों अभाज्य है, कुछ भी रख लो, दो रख लो चाहे तुम, आप बच्चों दो रख के देख लो, दो रख के देख लो, देखो यहाँ पे दो कितना आएगा बच्चों चार प्लस दो प्लस कितना आएगा सैतालीस, तो ये विभाज्य संख्या ही आएगी बच्चों, तो प्लस के लिए भी ये सही होगा, इसमें साइन चेंज होगा, तो अगर सेम दोनों लिखे तो साइन चेंज होगा, तो बच्चों तब भी वो क्या कहलाएगी बच्चों अभाज्य संख्या ही कहलाएगी बच्चों, ठीक है चलो जो टेस्ट यहीं रखिए बच्चों, ठीक है यहीं रखते हैं, आगे इसके कल पढ़ाएंगे और खत्म कर देंगे इसको पक्का टाइम।